मैं कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन डेली आप लोगों के साथ में सॉल्व करके और बताऊँ इन बोथ लैंग्वेज यू नो इंग्लिश एंड उर्दू ताकि आप लोगों के जो कुछ कॉन्सेप्टी जो हमारे फर्स्ट लैंग्वेज है तो हम उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं तो आप ये देखिएगा कि ये क्वेश्चन है मैं इसको पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूं मैं इसको जूम कर लू पहले थोड़ा सा ज्ञान ध्यान से देखिएगा ना आप टेस्ट के बारे में कुछ परेशान हो जाते हैं जल्दी तो हम इसको क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि इफ यू वर आस्ट मॉडिफाई वर्डिंग ऑफ़ क्वेश्चन को आपने मॉडिफाई करना है कौन सी लेवल में लेकर आना है एवोल्यूशन स्किल्स की जो पहले तो हमने इस पूरे क्वेश्चन को समझना है ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है ना तो नंबर वन ये क्वेश्चन ब्लूम्स टेक्नोनोमी से लिया गया है ठीक है आ जाते हैं अब इस क्वेश्चन को हम आ, मजीद आ, पढ़ते हैं कि वो क्वेश्चन कौन सा है जिसको हमने एवेलुएशन पे लेके जाना है और इस वक्त उसकी पोजीशन क्या है पहली बात ब्लूम्स एक्सोनॉमी से दूसरा ये कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी की कौन सी कॉग्निटिव डोमेन में से लिया गया ना? तो ये कंपेयर की बात कर रहा है तो हमेशा जब भी हम ब्लूम्स टेक्नोमी में काम करते हैं तो उसके एक्शन वर्ब्स को हम देखते हैं हर डोमेन का एक्शन वर्ब होता है जैसे मेमोराइजेशन है नॉलेज है अंडरस्टैंडिंग है एप्लीकेशन है एनालिसिस है ठीक है ना सेंथेसिस है कॉम्प्रिहेंशन है जो भी ओल्ड और उसके तो वो एक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वर्ड कंपेयर कंपेयर कहाँ से लिया गया है कंपेयर जब हम करते हैं ना कंपेयर एंड कंट्रोल तो हम एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं तो पहली बात ये तो उसमें एनालिसिस के डोमेन में से लिया गया है अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने इसको स्किल्स में करना है। तो क्वेश्चन तो हमने समझ लिया। दिया गया है डिफरेंस और आर देयर बिटवीन डिजिटल एंड मार्केटिंग तो हमारा दो सारे क्वेश्चन से हमेशा हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और जो पूछ रहा है वो हमने ऑप्शंस में से देखना है हमसे पूछा गया है कि आप बताएं कि किसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हैं ऐसे को तो उसको एवोल्यूशन स्किल्स पे लेवल पे लेकर आ जाएं जो क्वेश्चन ये दिया गया है हो गया सिंपली तो हमने एक्शन वर्ब्स को मद्देनजर रखना है सो व्हाट व्हाट डिफरेंसेस अब व्हाट डिफरेंसेस एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है ठीक है ना अब इसका अगर हम देखें तो कोई डोमेन जो डब्ल्यू वॉट हु है तो ये थिंकिंग लेवल से उनका जो ताल्लुक जो होता है तो वॉट अगेन एनालिसिस की बात की जा रही है ना क्या तो एक तो ये चीज हो गई दूसरा ये पूछ रहा है कि इन योर ओपिनियन अगर इन योर ओपिनियन का हम ऑप्शन देखें तो ये थोड़ा सेंस बन रहा है कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसमें हमारा एट द एंड जब कंक्लूजन होता है जब मैं आपको एवेल्यूएट करना चाह रहा हूं तो आपसे आपका फीडबैक पूछूंगा Evolution यही होता है ना जजमेंट होती है तो इन योर ओपिनियन ठीक बन पा रहा है ये चीज आगे देखते हैं कि और ऑप्शन जो ना हमारे पास कौन से ताकि हम उन और ऑप्शन को हम देख सकें अब दूसरे जो ऑप्शन दिए गए आप ये देख लें कि दूसरे ऑप्शन को अगर हम देखें तो वो भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट में से दिए गए हैं थोड़ा सा आप लोगों को सबर करना है ताकि मैं इन चीजों को आ, सही करके मैं आपको रिप्रेजेंट कर सकूं अच्छे तरीके से आ जाते हैं इसकी बात हम कर लेते हैं ऑप्शन नंबर थ्री की ये भी कंपेयर की बात कर रहा है तो ये भी एनालिसिस है ये भी कंपेयर की बात कर रहा है तो ये भी एनालिसिस तो हमारे पास जो ऑप्शन है इन योर ओपिनियन इन कंक्लूजन एज ए रिजल्ट ये जो की वर्ड्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस कैटेगरी को एवल्यूशन कैटेगरी को तो हमेशा आपने क्या करना है कि आपने link कर लेना है कि जो आपसे पूछा गया है और हमें पता होना चाहिए कि ब्लूम स्टेक्सोनोमी में जो एक्शन वर्ब्स हैं जब हम ऑब्जेक्टिव डिजाइन कर रहे होते हैं तो वो एक्शन वर्ब्स होते हैं और एक्शन वर्ब हमेशा हम सिंपल से लेकर हम कॉम्प्लेक्स लेवल तक चले जाते हैं तो अगर आपको इस क्वेश्चन के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और वो हजरा जो अभी भी परेशान हैं और उनको क्लासेस चाहिए ऑनलाइन तो मैंने व्हाट्सएप नंबर आप कम्युनिटी चैट में आप देख लें मिल जाएगा मेरा ईमेल भी वहां लिखा हुआ है तो अभी भी टाइम है आप लोगों के पास मैं आराम से आप लोगों का कोर्स करवा सकता हूं और ताकि आप अपना रिजल्ट अच्छा आ जाए आपका जो तो ये थी आज का क्वेश्चन और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज